जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। हम बात करेंगे आज कंप्यूटर के विकास, यानी कंप्यूटर का अगला क्लास होगा, यानी क्लास नंबर 2 होने वाला है। पहले क्लास में हमने देखा था कंप्यूटर का सामान्य परिचय, जिसमें से हमने लगभग 80 क्वेश्चंस को हमने कवर किया था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। आज भी हम लगभग 70 सवालों को आज हम हल करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे, और आज हम देखने वाले हैं कंप्यूटर का विकास। तो मुख्य रूप से कंप्यूटर के विकास में क्या है कि अलग अलग कंप्यूटर की जो जो पीढ़ी आई हुई उनके बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले उन सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे, उसके बाद हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे। कुछ नहीं, लगभग आपको 70 क्वेश्चंस आप यहाँ कवर कर सकते हैं, जो कि कंप्यूटर के विकास से संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे वो एक भी प्रश्न यहाँ से नहीं छूटेगा। तो चलिए, कंप्यूटर के विकास आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका नज़र आ रहा होगा, है ना। यहाँ पे देखिए कुछ पीढ़ी दिया हुआ और उनकी विशेषताएँ। तो जैसे अगर सबसे पहले हम बात करें कि प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर जो बना था, है ना, तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की अगर बात करें तो उसकी विशेषताएं क्या थी, तो उनकी विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में निर्वात ट्यूब का उपयोग, यानी ठीक है, निर्वात ट्यूब में इसका प्रयोग जो है वो सबसे पहले हुआ था। प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज के रूप में मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग। सीमित मुख्य भंडारण क्षमता, यानी लिमिटेड मेन स्टोरेज कैपेसिटी। उस समय क्या था कि स्टोरेज कैपेसिटी जो होता था वो एक लिमिटेशन होता था, है ना, क्योंकि फर्स्ट टाइम था, उतना ज़्यादा कोई चीज़ विकास नहीं हुआ हो पाया था। मंद गति के इनपुट आउटपुट, उतना स्पीडली कोई चीज़ इनपुट या आउटपुट तुरंत नहीं देता था, यानी एक फ़ोटो खींचने में बहुत देर लगता था उस समय, कोई अगर डाटा डाल रहे हैं तो सर्च होने में भी टाइम लगता था, तो इस तरह से कुछ प्रोसेस में टाइम लगता था। निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा, मशीनी भाषा और असेंबली भाषा, ये सभी का जो है वो नज़र आता है इसमें। ताप नियंत्रण में असुविधा, ताप नियंत्रण में उतनी ज़्यादा सुविधा नहीं थी। उपयोग पेरोल प्रोसेसिंग और रिकॉर्ड रखने के लिए प्रयोग किया जाता था, उदाहरण के लिए जैसे IBM 650, यूनिवैक और ENIAC, ये कुछ उस समय के काम के थे। बात करते हैं द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे, उसमें ट्रांजिस्टर का पहला उपयोग किया गया, है ना, सबसे पहले ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया इसमें। प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज के रूप में चुंबकीय कोर का उपयोग हुआ। मुख्य भंडारण क्षमता में कुछ वृद्धि की गई। तीव्र इनपुट आउटपुट, जो इनपुट आउटपुट स्लो था उसको थोड़ा फास्ट किया गया। उच्च स्तरीय भाषा जैसे कोबोल और फोर्ट्रॉन जैसे उच्च स्तरीय लैंग्वेज का, यानी हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया, कोबोल और फोर्ट्रॉन जैसे। आकार और ताप में कमी की गई, जैसे पहले क्या था कि फर्स्ट में देखा गया कि ताप में कंट्रोल कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, जब इसका द्वितीय पीढ़ी आता है यानी सेकेंड जनरेशन जब आता है तो इन चीज़ों पर कुछ काम हुआ। फिर उसके बाद तीव्र और विश्वसनीय बढ़ा, थोड़ा सा थोड़ा फास्ट हुआ। बेंच ओरिएंटेड उपयोग जैसे बिलिंग, पेरोल प्रोसेसिंग, इन्वेंट्री फाइल आदि का अपडेशन हुआ। जैसे कुछ उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो IBM 1401, हनीवेल 200 और CDC 1604, तो ये कुछ उदाहरण हैं सेकेंड पीढ़ी के कंप्यूटर के, सेकेंड जनरेशन के। थर्ड जनरेशन में अगर हम बात करें तो इंटीग्रेटेड चिप का प्रयोग, यानी IC चिप का प्रयोग जो है वो इंटीग्रेटेड चिप का प्रयोग थर्ड जनरेशन में होता है। तो कई बार सवाल डायरेक्टली पूछा जाता है कि इंटीग्रेटेड चिप का जो प्रयोग किया गया वो किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरुआत हुआ, तो ये होता है तृतीय पीढ़ी में। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था पहला में, तो ये सारा चीज़ें आपको कुछ कुछ याद रखना है। चुंबकीय कोर और सॉलिड स्टेट मुख्य भंडारण के रूप में उपयोग, SSI और MSI, अधिक लचीला यानी मोर फ्लेक्सिबल इनपुट आउटपुट, और भी इनपुट आउटपुट को थोड़ा और तंदुरुस्त किया गया और अच्छा किया गया। तीव्र, छोटे और विश्वसनीय हुए, यानी कुछ फास्ट हुआ, कुछ जो कंप्यूटर का जो बहुत बड़ा होता था पहले, धीरे धीरे उसको थोड़ा सा मॉडलाइजेशन किया गया और थोड़ा उसमें छोटा किया गया, उसमें कुछ विश्वसनीयता कह सकते हैं कि विश्वसनीय कुछ बढ़ा, यानी ज़्यादा पहले के अपेक्षा ज़्यादा थोड़ा विश्वास जगा लोगों में। उच्च स्तरीय भाषा का वृहद उपयोग किया गया जाने लगा। रिमोट प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग, ये सभी का प्रयोग किया गया। इनपुट आउटपुट को नियंत्रित करने के लिए सॉफ्टवेयर उपलब्ध होने लगे थर्ड जनरेशन में। उपयोग एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम, क्रेडिट कार्ड बिलिंग, मार्केट फोरकास्टिंग, ये सभी के लिए प्रयोग किया जाने लगा। IBM सिस्टम, इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखा जाए, 360, NCR 395 और बोरो B6500, तो ये कुछ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के कुछ कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं थी। उसके बाद आता है चौथी पीढ़ी, कंप्यूटर का चौथी पीढ़ी, जो कि VLSI और ULSI का प्रयोग होता है। उच्च और तीव्र क्षमता वाले भंडारण होती है। भिन्न भिन्न हार्डवेयर निर्माता के यंत्र बीच एक
अनुकूलता ताकि उपभोक्ता किसी एक विक्रेता से बंधा ना रहे, ठीक है। और मिनी कंप्यूटर के उपयोग में वृद्धि होने लगा, धीरे धीरे मिनी कंप्यूटर आने लगे। जो बड़े बड़े कंप्यूटर आते थे वो धीरे धीरे क्या है कि मिनी कंप्यूटर के रूप में कई सारे कंप्यूटर देखने को मिलने लगा। उसके बाद फिर आता है माइक्रो प्रोसेसर और मिनी कंप्यूटर का आरंभ होता है, ठीक है। उपयोग में अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, व्यावसायिक उत्पादन और व्यक्तिगत उपयोग के लिए जो है वो चौथी पीढ़ी में जो इसकी शुरुआत हो गई। पांचवी पीढ़ी में अगर बात करें तो ऑप्टिकल डिस्क का भंडारण का उपयोग, ये इसमें जो उदाहरण में अगर देखा जाए तो IBM PC XT और Apple II, ये सेकेंड जनरेशन जो भी था ये सारा कुछ चौथा पीढ़ी में देखने मिलता है। पांचवी पीढ़ी की अगर बात करें तो ऑप्टिकल डिस्क का भंडारण में उपयोग, इंटरनेट, ईमेल और WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब का विकास हुआ, आकार में बहुत छोटे, तीव्र और उपयोग में आसान प्लग और प्ले, उपयोग इंटरनेट, मल्टीमीडिया आदि का उपयोग करने में होने लगा। उदाहरण के लिए जैसे IBM नोटबुक, पेंटिनम PC, सुपर कंप्यूटर, ये सभी इत्यादि का प्रयोग जो वो धीरे धीरे होने लगा। ये सारी चीज़ें कुछ कुछ हम आप जान सकते हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ें आता है ना, धीरे धीरे चीज़ें अलग अलग बढ़ते जाती है। जैसे जैसे चीज़ बढ़ता है, जैसे जैसे लोगों में जागरूकता, जैसे जैसे लोगों में उसकी समझ विकसित हुई, तो धीरे धीरे इसका जो विस्तार जो है वो होते गया। उसके बाद इसमें एक चीज़ थोड़ा सा हम बात करेंगे सुपर कंप्यूटर के बारे में, उसके बाद हम सीधा चले जाएंगे क्वेश्चन की ओर। सुपर कंप्यूटर की अगर बात करें तो सुपर कंप्यूटर एक कंप्यूटर है जिसकी संग्रहण क्षमता तथा गति अत्यधिक तीव्र है। यह अपनी पीढ़ी के दूसरे कंप्यूटरों की तुलना में अत्यधिक तीव्र है। इनमें हजारों माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं। यह अब तक का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर 1964 में CDC 6600। तो ये पूछा जाता है कई बार कि विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर जो वो कब बनाया गया था, तो 1964 में। उसका नाम क्या था, तो CDC 6600 उसका नाम था। 1976 ईस्वी में Cray-1 जो कि रिसर्च कंपनी द्वारा विकसित था, यह इतिहास का सबसे सफल सुपर कंप्यूटर माना जाता है, Cray-1। तो दोनों तरह से सवाल पूछा जाता था कि सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन था, तो CDC 6600, और सबसे सफल अगर माना जाए तो Cray-1 जो वो सुपर कंप्यूटर माना जाता है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम CDEC है ना, परम CDEC, ये जो है वो परम आप नाम याद रखेंगे, द्वारा 1991 में विकसित किया गया था। वर्तमान प्रोसेसिंग क्षमता विशेषता गणना के गति में सुपर कंप्यूटर सबसे आगे है। इसमें मल्टी प्रोसेसिंग तथा समानांतर प्रोसेसिंग यानी पैरेलल प्रोसेसिंग प्रयुक्त होता है, जिसके द्वारा किसी भी कार्य को टुकड़ों में विभाजित किया जाता है तथा कई व्यक्ति एक साथ कार्य कर सकते हैं। इसका उपयोग एनिमेटेड ग्राफिक्स, परमाणु अनुसंधान इत्यादि में होता है। पेस सीरीज के सुपर कंप्यूटर DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद तथा अनुपम सीरीज के कंप्यूटर BARC यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा विकसित किया गया। उदाहरण के लिए Cray-1 है ना, इस टाइप से इस चीज़ें को आपको ध्यान में रखना है। आइए हम बात करते हैं आज के एक कंप्यूटर के विकास से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, उन सारे प्रश्नों को एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहला सवाल है कि प्रथम गणना यंत्र यानी कैलकुलेटिंग डिवाइस क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अबेकस इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था, तो पैकमैन जो नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर जो बना था वो किस काम के लिए, तो खेल के लिए यह बना था। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था, तो प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का जो निर्माण किया था वो ब्लेज पास्कल के द्वारा किया गया था। किसने पंच कार्ड का आरंभ किया, तो पंच कार्ड का आरंभ जो करने वाला व्यक्ति था, इसमें से ऑप्शन के अकॉर्डिंग इनमें से कोई भी नहीं है, याद रखेंगे इसका सही नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा हर्मन हॉलेरिथ ने ही पंच कार्ड का शुरुआत जो वो आरंभ किया था। अब पंच कार्ड है क्या, तो यह एक डाटा प्रोसेसिंग था जिसको 1880 के दशक में कह सकते हैं कि हर्मन हॉलेरिथ जो अमेरिकन इंजीनियर थे उनके द्वारा इसका विकास किया गया। हालांकि बाद में ये कई तरह के पंच कार्ड अलग अलग इसका बना और धीरे धीरे ये अलग अलग स्थानों में जाने लगे है ना, धीरे धीरे वहाँ के जैसे अगर के बात करें कि पहले ये किसी कंपनी में पर्सनल प्राइवेट कंपनी में छोटे कंपनी में थे, पहले तो इन्होंने एक तैयार किया खुद से, फिर छोटी कंपनी में गए, फिर उसे सरकार जो वहाँ की थी अमेरिकन गवर्नमेंट उन्होंने इनको जो है वो अपने साथ में रख लिया, फिर बाद में ये आगे चल करके और IBM जैसे कंपनी का स्थापना 1920 ईस्वी में IBM जैसे बड़ी कंपनी
और आदि का, ये सभी का स्थापना के टाइम पे इसमें महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलता है। आगे बात करें कि वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था, तो वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था उसका नाम क्या है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा विद्युत यानी इलेक्ट्रिकल। सवाल अगला है, एनालॉग कंप्यूटर है तो एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, तो एनालॉग कंप्यूटर है जो निम्न स्तर पर संप्रेषित यानी कम्युनिकेट करना, उसी को कहा जाता है एनालॉग कंप्यूटर। इनमें से कौन पीसी का सही व्याख्या करता है, तो पीसी का जो सही व्याख्या करता है, सभी स्टाफ के लिए स्वतंत्र कंप्यूटर, हर स्टाफ के लिए उपलब्ध पर्सनल कंप्यूटर जिसका डेटा लेयर सिस्टम से प्राप्त हो सके और उत्पादकता में वृद्धि हो सके, और पेंटियम द्वारा निर्मित कंप्यूटर। तो ये सभी डाटा जो है सही है पीसी के लिए, है ना। पीसी के लिए क्या हुआ कि सबसे पहले तो सबको अलग अलग स्वतंत्र, सभी स्टाफ के लिए स्वतंत्र कंप्यूटर मिल गया। जैसे अगर हम अपना घर पे काम कर रहे हैं तो हमको एक पर्सनल कंप्यूटर मिल गया पीसी में, पीसी वही हुआ पर्सनल कंप्यूटर। तो उसमें क्या कि सभी को अपना अपना पर्सनल, तो थोड़ा इसमें क्या कि स्वतंत्रता ज़्यादा बढ़ा, काम भी जल्दी जल्दी होने लगा। तो ये सारी चीज़ें इसका जो वो महत्वपूर्ण व्याख्या करता है। लैपटॉप क्या है, तो लैपटॉप की अगर बात करें तो क्लिनिकल प्रयोगशाला में उपयुक्त कंप्यूटर, कॉम्पैक्ट द्वारा निर्मित कंप्यूटर और छोटे हल्के कंप्यूटर जो सूटकेस में आ सके, तो ये सभी इसका महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलता है। सुपर कंप्यूटर क्या है, तो सुपर कंप्यूटर की अगर बारे में बात करें तो एक साथ बड़े सारे प्रयोक्ता का डाटा प्रोसेस करता है, यह तीव्र तथा महंगी कंप्यूटर सिस्टम है और बड़े संगठनों में इसका उपयोग जो किया जाता है। तो ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, 9 का हो जाएगा आंसर डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा सही नहीं है, आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है वो सही नहीं है। नोटबुक कंप्यूटर हल्का और नोटबुक के सदृश दिखता है, बिल्कुल सही है। पाम टॉप कंप्यूटर हल्का तथा जेब में आ सकता है, तो ये गलत है, है ना। तो इसका गलत आंसर जो हो जाएगा वो होगा बी, बी जो है वो गलत है, यानी पाम टॉप कंप्यूटर जो है वो हल्का और जेब में नहीं आ सकता है, यह बड़ा बड़े आकार का होता है और ये हल्का नहीं भारी होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। पाम टॉप कंप्यूटर को पायो कंप्यूटर भी कहते हैं, ये सही है। पोर्टेबल कंप्यूटर को डेस्कटॉप पीसी तथा दूसरे कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है, तो ये सभी चीज़ें तो सही है, लेकिन बी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। कंप्यूटर का बुनियादी संरचना यानी बेसिक आर्किटेक्चर का विकास किया था, तो कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का जो विकास किया था वो चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। तो इसीलिए इन चीज़ों को आपको याद रखना है, कई बार पूछा भी जाता है कि कंप्यूटर के पिता किसे माना जाता है, पितामह किसे माना जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर, तो चार्ल्स बेबेज को ही माना जाता है, क्योंकि बुनियादी इस संरचना अगर बात करें कंप्यूटर की तो इन्होंने ही शुरू किया था, भले बाद में कई तरह से चीज़ें अलग अलग चीज़ें आने लगी, लेकिन पहला तो मुख्य योगदान उसका जाता है जिन्होंने इसकी शुरुआत की, है ना, बाद में भले कई तरह से चीज़ें मिलने लगती हैं। उसके बाद अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है, तो सुपर कंप्यूटर होता है। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है, तो सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला जो कंप्यूटर होता है वो डिजिटल कंप्यूटर होता है। क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर। क्रे क्या है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है क्रे वन, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, तो क्रे वन क्या है, तो क्रे वन जो है यह एक सुपर कंप्यूटर है। पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी होगी, तो घर घर उपयोग, बहुआयामी उपयोग, कृत्रिम वृद्धि, बहुत कम कीमत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सबसे अगर प्रमुख विशेषता देखा जाए तो घर घर में जो उपयोग होने लगा, ये सबसे बड़ी इसकी उपयोगिता माना जाता है इस चीज़ का, और सबसे बड़ा विशेषता यही आया। ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं यानी यूजर के लिए सुविधाजनक होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाता है लैपटॉप। कंप्यूटर के आईसी चिप्स के उत्पादन हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है, तो उसमें सिलिकॉन का प्रयोग जो किया जाता है। तो ये सवाल भी काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड सवाल है, और यह साइंस में भी सवाल पूछा जाता है, कंप्यूटर में भी सवाल पूछा जाता है। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से शुरू हुआ था, तो मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग जो है वो किस पीढ़ी के कंप्यूटर से हुआ, तो इसका शुरुआत होता है तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर से मल्टी प्रोग्रामिंग का। मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टीक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बेल प्रयोगशाला में। माफ कीजिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी बेल प्रयोगशाला में। मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए जो मल्टीक्स
ऑपरेटिंग सिस्टम जो बनाया गया था वो बेल प्रयोगशाला में इसकी शुरुआत की गई थी। चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे, चार्ल्स बेबेज के जो प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इनमें से कोई भी नाम इसका नहीं दिया गया है, तो ये नाम आप चाहे तो सर्च करके देख लेंगे आप किस नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? तो विश्व का सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर बना 1976 में, है ना, 1976 में सबसे पहला। व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग जो है वो किया जाता है? तो व्यक्तिगत तौर पर अगर बात करें जो प्रयोग होता है वो किसका किया जाता है, तो माइक्रो कंप्यूटर का। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक जो है वो कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम है, तो यहाँ पे कंप्यूटर का बोल रहा है ना, प्रथम कंप्यूटर की बात की जा रही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। लेकिन अगर बोले कि प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा, तो परम, ये आपको याद रखना है। सबसे तेज कंप्यूटर होता है तो सुपर कंप्यूटर होता है। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो यह क्या था, यह जो था वो सुपर कंप्यूटर था। परम जो है वो कंप्यूटर क्या था, तो सुपर कंप्यूटर था। और पहला कंप्यूटर की अगर बात करें तो सिद्धार्थ उसका नाम था। ये दोनों चीज आपको याद रखने हैं। पूर्व में फोर्ट्रॉन के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस युग के कंप्यूटर थे? तो पूर्व में फोर्ट्रॉन के साथ जो कार्य करने वाले कंप्यूटर थे वो किस युग के कंप्यूटर थे? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा दूसरे युग का कंप्यूटर था, यानी सेकेंड जनरेशन का। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो माइक्रो प्रोसेसर जो आता है वो आता है चौथी पीढ़ी में, तो ये आपको याद रखने हैं। टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? तो टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग ये दोनों का प्रयोग जो है वो किस जनरेशन में होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा तृतीय जनरेशन में, यानी थर्ड जनरेशन में। गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ? तो इसका जो आविष्कार हुआ था वो हुआ था चीन में। एबाकस नाम से ही थोड़ा सा आप पता कर सकते हैं, है ना, एबाकस। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या दोष था? तो सबसे पहला तो अगर बात करें प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर में जो दोष था वो किन तरह के दोष थे, तो सबसे पहला जो दोष था वो था बड़ा आकार। सबसे बड़ा जो मेन दोष माना जाता है वो उसका बड़ा आकार था, इतना क्योंकि हर जगह इतना, जिस तरह से सुपर कंप्यूटर होता था उससे बड़ा बड़ा कंप्यूटर होते थे, तो वहाँ पे बोला कि ऐसा कंप्यूटर बनाया जाए जहाँ पे हर तरह से पर्सनली यूज़ किया जा सके और थोड़ा छोटा आकार का हो। तो जैसे जैसे इसमें काम होता गया, आगे बढ़ता गए, तो जैसे जैसे विकास होता गया तो ये सब चीज़ें नज़र आने लगी। अगला सवाल है, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक है, तो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार हैं, तो कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार की अगर बात करें तो ये डिजिटल हो जाएगा और दूसरा एनालॉग, ये दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर होगा। कौन जो है वो सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटरों में लगाने से वह मिनी सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है? तो किस सुपर चिप का प्रयोग करने से मिनी कंप्यूटर में लगाने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है? तो यह काफ़ी अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल आपको देखने को मिल सकता है। तो 80386 यानी 80386 इसका प्रयोग अगर मिनी कंप्यूटर में किया जाए तो वह मिनी कंप्यूटर से सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है। टेलीविजन के आकार का कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन होता है? तो टेलीविजन के आकार का, तो टेलीविजन के आकार का कौन होता है? तो माइक्रो कंप्यूटर होता है, है ना। बाकी क्या मिनी कंप्यूटर तो उससे भी छोटे होते हैं, तो ये सारा चीज़ यहाँ पे पूछा जा रहा है कि टेलीविजन के आकार का। माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता कितना प्रति सेकेंड होती है? तो माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता की अगर बात करें तो इसका कितना होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 100,000 संक्रियाएँ प्रति सेकेंड। ठीक है, 100,000 संक्रियाएं जो वो प्रति सेकेंड इसको सॉल्व कर सकता है, माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता है। IMAC एक प्रकार का क्या है? तो IMAC यह एक प्रकार का क्या है, तो यह एक मशीन है। एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? एनालिटिक इंजन का निर्माण जो किया गया था वो चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर की मुख्य विशेषता होती है? तो इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर की मुख्य विशेषता होती है, तो यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन फाइल, गेम, गति, CD और फ्लॉपी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा गति। गति जो इसका स्पीड जो है वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है कंप्यूटर के बारे में, इसीलिए तो बोलते हैं कि कंप्यूटर जैसा दिमाग चल रहा है, यानी काफ़ी ज़्यादा तेज चल रहा है।
प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या था? तो उस समय जो प्रयोग किया जाता था वो वॉल्व या तो फिर ट्यूब का निर्माण किया जाता था, है ना। तो ये सारी चीज़ें तो आपको पता होगा, है ना, अभी थोड़ी देर पहले बात किए। ये दूसरा में ट्रांजिस्टर दिखाई देता है, तीसरा में इंटीग्रेटेड सर्किट देता है, चौथा में माइक्रो प्रोसेसर आदि चीज़ें देखने को मिलता है ना। पाँचवों में तो कह सकते हैं कि घर घर कंप्यूटर पहुँच गया। अगला सवाल है 41 नंबर क्वेश्चन का, 41 नंबर देखें कि आकार के आधार पर कंप्यूटर के कौन से प्रकार नहीं हैं। तो आकार के आधार पर कंप्यूटर के कौन से प्रकार नहीं, तो माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या ऑप्टिकल कंप्यूटर। तो 41 का इनमें से आपको बताना है कौन सा नहीं होगा। तो ऑप्टिकल कंप्यूटर आपने नहीं सुना होगा, बाकी सारे कंप्यूटर के नाम आपने सुना होगा क्योंकि ये सारे कंप्यूटर के प्रकार हैं, लेकिन ये ऑप्टिकल कंप्यूटर नहीं है। अंकीय कंप्यूटर कौन सी गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा करोड़ों गणनाएं जो वो प्रति सेकंड कर सकता है अंकीय कंप्यूटर। तो याद रखेंगे अंकीय कंप्यूटर जो होता है ना, न्यूमरल कंप्यूटर जो होता है वो क्या कर सकता है, तो करोड़ों गणनाएं जो है वो, यानी करोड़ों सॉल्व जो है वो प्रति सेकंड कर सकता है, उसकी क्षमता इतना है। सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी संक्रियाएं प्रति सेकंड समाहित होती है? तो सुपर मिनी की अगर बात करें तो इसमें लगभग 5 लाख संक्रियाएं आपको देखने को मिल सकता है प्रति सेकंड। आगे अगर बात करें कि माइक्रो कंप्यूटर में जो नहीं आते उसका नाम है, तो माइक्रो कंप्यूटर में जो नहीं आते उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी एटॉमिक कंप्यूटर। एटॉमिक कंप्यूटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो इसका अगर आपको सही आंसर बताना है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा जोसेफ मेरी ने पंच कार्ड का प्रयोग जो है वो सबसे पहले इन्होंने किया था, जोसेफ मेरी ने। तो यहाँ पे प्रयोग के बारे में बात किया जा रहा है ना। अगर आविष्कार की बात करें तो हरमन हॉलेरिथ के द्वारा किया गया था, लेकिन प्रयोग अगर पूछा जाए कि पहली बार प्रयोग किसने किया था, तो जोसेफ मेरी के द्वारा इसका पहले प्रयोग किया गया था। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो कंप्यूटर के विकास में जो सर्वाधिक योगदान देखने को मिलता है वो वॉन न्यूमैन को मिलता है। प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान जो मिलता है वो मिलता है चार्ल्स बेबेज का। हरमन हॉलेरिथ, ये अभी नाम हमने जिक्र किया जिस चीज़ के बारे में कि पंच कार्ड का निर्माण जो है वो इसी के द्वारा आविष्कार किया गया था। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? तो सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज की अगर बात करें तो वो 1946 ईस्वी में होता है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? तो आईसी चिप का जो विकास किया गया था वो किसके द्वारा? तो जे एस किल्बी के द्वारा आविष्कार इसका किया गया था। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी आईसी चिप के पर किसकी परत होती है? तो इसमें किसका परत जो है वो चढ़ाया जाता है? तो इस पर सिलिकॉन का परत चढ़ाया जाता है। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो चुंबकीय डिस्क पर जो पदार्थ पर परत होता है वो किसका होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड का। आयरन ऑक्साइड इसका जो वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 53, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन है? तो सुपर कंप्यूटर, स्वाभाविक बात है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 53 का ए। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह गणना के सिद्धांत पर कार्य जो है वो करता है डिजिटल कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? तो सुपर कंप्यूटर अन्य से किस प्रकार से भिन्न होता है? तो बहुत अधिक कीमत होता है, पहली बात। वातानुकूलन की समस्या ये तो नहीं है। परिकलन क्षमता एवं वृहद स्मृति भंडार और बहुआयामी उपयोग। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 55 का जो वो है वो सबसे मेन आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी परिकलन क्षमता और वृहद स्मृति भंडार। हालांकि कीमत भी इसका कम नहीं देखने को मिलता है, एक एक सुपर कंप्यूटर काफ़ी महंगा कंप्यूटर देखने को मिलता है, तो ये भी सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग जो वो किया जाता है? तो आधुनिक अगर बात करें इसके, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर के किस पद्धति का उपयोग जो वो किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा द्विआधारी अंक पद्धति पर, यानी बाइनरी डेसिमल सिस्टम पर बात करते हैं, है ना, बाइनरी पर। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? तो यह भी सवाल जो वो काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड सवाल है, और यह सवाल अक्सर जो है वो पूछा जाता है कि भारत में विकसित प्रथम सुपर कंप्यूटर परम का विकास किस संस्था के द्वारा किया गया था? तो सीडेक के द्वारा इसका आविष्कार जो वो किया गया था, यानी इसका विकास जो वो किया गया था।
एकीकृत परिपथ यानी आईसी का आविष्कार किस पीढ़ी का जन्म हुआ? तो एकीकृत परिपथ यानी आईसी का जो आविष्कार जो होता है वो किस पीढ़ी का जन्म हुआ? तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी तृतीय पीढ़ी में। चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव था, तो चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव क्या था? तो चौथी पीढ़ी में हमने देखा क्या, ट्रांजिस्टर को हमने देखा था, है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा नहीं तीसरा, तीसरा में तो देखा था ट्रांजिस्टर, लेकिन इस पे पूछा जा रहा कि चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव था, तो वो था बृहद एकीकृत परिपथ। बृहद एकीकृत परिपथ इसका सही आंसर हो जाएगा। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा इंटीग्रेटेड सर्किट। कौन सा डिवाइस उपकरण हाथ पकड़ या हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल जो है वो करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पीडीए। पीडीए इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, कोई कंप्यूटर एनालॉग डाटा को पहचाने और समझे इसके लिए पहले इसे क्या करना होगा? तो याद रखेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वायरसों के लिए विश्लेषित किया जाना होगा। सुपर कंप्यूटर क्या है? तो सुपर कंप्यूटर के बारे में एक बार फिर से यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, आप ऑप्शन पढ़ के कवर कर सकते हैं। एक बार देख लेते हैं इसके ऑप्शंस को। मेनफ्रेम कंप्यूटर के से आकार और प्रोसेसिंग क्षमता में छोटे हैं, अधिकांश घरों में आम है। तीसरा अगर बात करें कि वे हजारों माइक्रो में, इसमें जो है वो माइक्रो हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, तो ये जो है वो गलत हो, है ना, ये गलत होगा। और बाकी की ये सारी चीज़ें जो वो सही है। निम्न में से सबसे तेज कौन सा है? तो इसमें से आपको बताने, इनमें से सबसे तेज जो है वो कौन सा है आप बता सकते हैं। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर जो हो जाएगा 64 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी रजिस्टर्ड। किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिएक को बनाया था? तो इसका जो आविष्कार जो किया गया था सबसे पहले प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोसली के द्वारा। तो अगर आपसे इस तरह के सवाल पूछा जाए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है कि आखिर में क्वेश्चन हमसे पूछा क्या गया है और किस तरह से ऑप्शन हमको दिया हुआ है। इनमें से कौन सी कंप्यूटर की पहली पीढ़ी है? तो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी की अगर बात करें तो वो था एनिएक, है ना। अंकीय संगणक यानी कंप्यूटर, अंकीय कंप्यूटर द्वारा डेटा तथा प्रोग्राम को सांकेतिक शब्दों में बदलने के लिए किस प्रणाली का उपयोग होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बाइनरी या द्विगुण। बाइनरी या द्विगुण जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आज का आखिरी सवाल है कि विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो आपको कमेंट करके बताना है कि विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है। इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि अगला वीडियो जो हम अपलोड करेंगे इसका वो होगा इनपुट और आउटपुट डिवाइस का। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे उन सारे प्रश्नों को हम लाने का प्रयास करेंगे। और तो चलते हैं मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।